Hello everyone, welcome back again to ME5. Today in this video, I am going to discuss about very important part. जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, नेशनल यूनिटी के इंचार्ज हैं, जो हमारे देश को बाहरी आक्रमण, जिसे हम एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं, और इंटरनल थ्रेट से बचाए रखते हैं, और पीस और यूनिटी बनाए रखना इनका काम है दोस्तों। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, इट इज़ नथिंग बट डिफेंस सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की सुरक्षा करते हैं ताकि हम लोग, मैं और आप, चैन की नींद सो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डिफेंस सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डिफेंस सर्विसेज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो इंडियन आर्मी हो गया, दूसरा इंडियन नेवी हो गया, और तीसरा इंडियन एयरफोर्स हो गया। हर सर्विसेज में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जॉब्स देखने को मिलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको रहेंगे। जिस सर्विस में आपको इंटरेस्ट है वहाँ पे आप अपनी जॉब को परस्यू कर सकते हैं आगे बढ़कर। और क्योंकि इसके बेसिक क्वालिफिकेशंस भी 12th पास से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आगे बढ़कर हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में पढ़ें। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री जान लें इसके बारे में कि इंडियन आर्मी कहाँ से इवॉल्व हुई है, और आर्मी का जो हमारे इंडिया में था उसका इवॉल्वमेंट कहाँ से हुआ है। पहली बात तो, सो बिफोर वी गो टू इंडियन आर्मी, पहले जो आर्मीज थे ना, ये वेदास के ज़माने से शुरू हो गए थे, क्योंकि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिलिट्री हिस्ट्रीज डेटिंग बैक सेवरल मिलीनिया। पहला रेफरेंस मैं आपको अगर बताऊं तो आपको वेदास में मेंशन हुआ था इसमें, जहां पे कई सारे रूलर्स उस जमाने में आर्मीज को मेंटेन किया करते थे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास दो एपिक्स हैं, एक रामायण हो गया और दूसरा महाभारत हो गया। उसमें भी आर्चरी के बारे में, तीरबाजी के बारे में मेंशन किया गया है, मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया गया है, ओके, जिसे हम कहते हैं धनुर्वेदा। दोस्तों याद रख लीजिए, धनुर्वेदा के तहत सारे इंडियन मिलिट्री के बारे में, आर्मीज के बारे में वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। चलिए फिर चलते हैं समुद्री की ओर, जिसे हम इंडियन मेरीटाइम हिस्ट्री कहते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा आपके सोशल टेक्स्ट बुक्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों, जहाँ पे पहला टाइडल डॉक बना हुआ था, जहाँ पे जहाज आके रुका करती थी, दोनों के बीच में ट्रेडिंग हुआ करती थी, उनकी छोटी सी एक आर्मी में मेंटेन हुआ करती थी वहाँ पे। उसके बाद सारे, कई सारे जो है पावरफुल एम्पायर्स आए, जैसे मौर्यास हो गया, सातवाहनास हो गया, छोलास हो गया, विजयनगरा हो गया, कई सारे ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स आए। ये जितने भी जो एम्पायर्स थे उन्होंने अपनी आर्मी को समुद्र में रखा हुआ था। इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा जो छोला एम्पायर थे उन्होंने समुद्र तट पर अपनी आर्मी को रखी थी, और उन्होंने श्रीलंका को भी ऑक्यूपाई किया था इस आर्मी की मदद से। तो धीरे धीरे जब ब्रिटिश इंडिया का रूल आया, जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया इंडिया पे, तब उन्होंने एक रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया था, उसको एस्टैब्लिश किया, और इंडियन आर्मी को वर्ल्ड वॉर वन में यूज़ किया गया, वर्ल्ड वॉर टू में भी इनको इस्तेमाल किया गया है। तो एक सारी एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो जानना ज़रूरी है हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में, कि किस तरह से धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर डेवलप हुआ हमारे इंडिया में। ओके, जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे तो इसके बाद 1950s के बाद हम लोग ने अपने आर्मी के पर डेवलप करना शुरू किया, और हमारे आर्मी के ज़रिए से कई सारे एपिक ऑपरेशंस चले हैं। इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था, कई वार्स में हमने जीता। फिर इसके बाद जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुई थी, तो हमने इंटरफेयर करके बांग्लादेश को लिबरेट दिलाया था, लिबरेशन उनको इंडिपेंडेंस दिलाया था, वो भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था हमारा। तो इस तरह से हमारी आर्मी जो है धीरे 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 डेवलप होती आ रही है दोस्तों। तो आज तो बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। मैं आपको एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो नाउ इंडियन आर्मी हैज़ 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल। और इससे जो है आपको पता चलता है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है हमारी। देखिए कितने पावरफुल हैं हम, कई लोगों को ये फैक्ट भी पता नहीं होता है कि इंडियन की आर्मी का जो रैंक है दुनिया में कौन से रैंक पे आता है। इट्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स। अगर आप वही स्ट्रेंथ की बात करें, देन अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज की गई थी 2022 का, ये इसी साल इसको रिलीज किया गया था, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ इंडिया का जो रैंक है वो 4th है दोस्तों। याद रख लीजिए, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या हमारे पास यू नो मिसाइल्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, ताकि हम यू नो लड़ सकें। तो उसके हिसाब से इंडिया का रैंक 4th है अमंग 142 कंट्रीज। देखिए कितनी पावरफुल हमारा डिफेंस सेक्टर है दोस्तों। जैसा ये इतना पावरफुल सेक्टर है ना, उसी तरह इसके जॉब्स भी बहुत पावरफुल हैं। आपको हर लेवल के जॉब्स मिलते हैं इसमें,
अगर टेक्नीशियन लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, क्लरिकल लेवल से स्टार्ट कीजिएगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के लिए भी, नर्सिंग के लिए भी जॉब्स रहेंगे आपको उसमें। अगर आप इस सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं देन यू आर एट राइट प्लेस दोस्तों, क्योंकि इस सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया बेसिक लेवल से लेकर हाई रैंक लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। तो मैं जॉब्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सेक्टर के अंडर क्या क्या जॉब्स आ रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है और हर जॉब के तहत क्या क्या इसके क्वालिफिकेशंस हैं, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 12th pass 10th pass के लिए भी कई सारे जॉब्स वहाँ पे होते हैं, बेसिक लेवल जॉब्स। ओके, क्योंकि अगर इस वीडियो में बात करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो है। बस मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूँ और क्या डिफेंस सेक्टर में किस तरह के करियर परस्यू कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेंस सेक्टर, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया। वी केम टू नो अबाउट द मिलिट्री स्ट्रेंथ, देयर पावर एंड क्या क्या जॉब के स्कोप हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके जैसे मैंने बताया कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, कि उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।